नमस्कार, मैं हूं अरविंद। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो लखनऊ में चल रहे मेगा इन्वेस्टर समिट की बात जो आज खत्म हुआ और तमाम तरह के दावे और वादे यहां पर कई सारे एमओयू साइन और यूपी में योगी का ये मेगा शो, हजारों कारोबारी योगी के मेगा शो पर मेहरबान बने। प्रदेश में अरबों के निवेश का वादा किया गया। राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, मोदी और योगी मंत्रिमंडल के मंत्री भी शामिल हुए। कई वादे किए गए, कई एमओयू साइन हुए। सरकार गदगद है कि यूपी के अच्छे दिन आएंगे। योगी दावा कर रहे हैं यूपी के माथे से बीमारू राज्य का कलंक मिट जाएगा, लेकिन यूपी की जनता ने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, कई इन्वेस्टर समिट देखे हैं, कई कारोबारियों को वादा करते हुए देखा है, लेकिन किसी को निभाते हुए नहीं देखा। और शायद यही वजह है कि यूपी की आज जो स्थिति है और जिस तरह की खबरें आती हैं उससे उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं वो आप तक पहुंचते रहते हैं। तो जनता को यकीन नहीं हो रहा है कि साथ साथ दिखने वाले कारोबारी यूपी का कल्याण करेंगे क्या। सवाल उठता है कि सबका साथ होने के बाद कहीं यूपी खाली हाथ न रह जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, करीब 25 करोड़ की जनसंख्या, लोकसभा की 80 सीट और विधानसभा में 403 सीट। सालों से इस प्रदेश के माथे पर बीमारू राज्य का कलंक लगा हुआ है। सबसे बड़े बाजार यूपी में कारोबारी आते हैं और अपना फायदा उठाते हैं और प्रदेश को कंगाल कर चले जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता से वादा करती हैं, वोट बटोरती हैं और फिर भगवान भरोसे छोड़ देती हैं। सालों से सबसे बड़े प्रदेश यूपी में यही खेल खेला जा रहा है। कारोबारी हो या राजनेता, सभी मिलकर प्रदेश को खोखला बना रहे हैं। सरकारें जनता के बीच ढिंढोरा पीटती हैं कि प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालेंगे। अभी तक की सरकारें फेल रही हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने निवेश लाने का वादा किया। जनता आस लगाई रही कि मुलायम निवेश का निवाला यूपी को खिलाएंगे। फिर माया ने निवेश का लालच दिया, खूब ढोल पीटा। कारोबारियों ने भी वादा किया, लेकिन सब कागजों में सिमट गया। अखिलेश ने दिल्ली, मुंबई, आगरा में निवेश के लिए मुनादी करवाई, लेकिन वो भी दूर की कौड़ी साबित हुआ। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाल कारपेट पर कारोबारियों का जोरदार स्वागत कर प्रदेश में अच्छे दिन लाने का भरोसा दिया है। देश के नामी गिरामी कारोबारी आए और विकास का सपना दिखाया। लाखों करोड़ के निवेश का वादा किया गया। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि किसी समिट का आयोजन करना एक बात होता है, लेकिन समिट का सफल आयोजन करना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा समारोह, बड़े बिजनेसमैन, राष्ट्रपति भी आए और पीएम मोदी भी आए। मोदी के मंत्रियों की फौज लखनऊ में जुटी रही। योगी समेत उनका पूरा मंत्रिमंडल निवेश के मेले की सफलता में जुटे रहे। महीनों से तैयारी थी, समापन भी हुआ। अरबों रुपयों के निवेश के वादे किए गए। कंपनियों के साथ कागजों में एमओयू साइन हुए। उम्मीदों का पिटारा बंद हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समिट से काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है कि यूपी का भविष्य बदल देंगे। दिल्ली के पास जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने जा रहे हैं। पहले से ही हमारे पास आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, गोरखपुर में एयरपोर्ट हैं और कुशीनगर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हमारा लगभग अंतिम चरण में है। बहुत शीघ्र हम उसको ऑपरेशनल करेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एरोस्पेस के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत व्यापक संभावनाएं हमारे पास हैं। सालों से कारोबारी वादा करते रहे हैं और फिर तोड़ते आए हैं। अंबानी जियो का कारोबार यूपी में बढ़ाना चाहते हैं। वो जितना प्रदेश को देंगे नहीं, उतना वसूल लेंगे। गौतम अडानी 35,000 करोड़ का वादा करते हैं। अडानी वाइब्रेंट गुजरात में भी वादा करते आए हैं। बिरला ग्रुप ने भी कई राज्यों में निवेश का वादा किया है, लेकिन धरातल पर अब तक नहीं दिखा। देश के नामी गिरामी कारोबारियों ने कई प्रदेश की सरकारों से वादा किया है, लेकिन निभाने की बारी आई तो मुकर गए। यूपी ने भी बाहें फैलाकर निवेश के लिए निवेशकों का स्वागत किया। ऐसा लगा कि हम आपके साथ साथ हैं, लेकिन यूपी को कारोबारी हमेशा सिर्फ खाली हाथ ही दिखाते हैं। अब मोदी और योगी के साथ
देश के बड़े बड़े ब्रांड के कारोबारी दिखे। अब देखना होगा कि ये सिर्फ देखने के लिए साथ थे या असल में भी साथ देंगे। योगी के दावे में विपक्षी दल कितना दम भर रहे हैं, आइए सुनते हैं। एएमयू आज तक आप देखेंगे, मैंने आपको बताया पिछली सरकार में जी ने एएमयू साइन किया था 30,000 करोड़ का, तो 3,000 करोड़ ही पहुंच पाया था अब तक। अब चूंकि एएमयू साइन होते हैं, साइन को उसको धरातल पे लाने के लिए मैंने आपको बोला ना, पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत। तो मेरी सरकार को यही शुभकामनाएं होंगी कि इसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में, ये जो आप सारे एमयू साइन कर रहे हैं इस पे आप सख्ती करें और अच्छे से इस पे फॉलो अप करें ताकि वाकई यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सके। एक कहावत है, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि सालों से सरकारें निवेश के नाम पर जनता को ठगती आई हैं। इसलिए जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या निवेश का वादा करने वाले कारोबारी वादा निभाएंगे या व्यापारी खुद की ब्रांडिंग कर अपना मुनाफा लेकर प्रदेश को फिर से ठग लेंगे। सालों से प्रदेश में कागजों पर निवेश हुए, कागजों पर एमओयू साइन हुए, ये सब कुछ कभी भी धरातल पर दिखाई नहीं दिया। पुरानी सरकारों के साथ भी कारोबारी दिखे थे, लेकिन यूपी हमेशा खाली हाथ ही रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भी साथ साथ दिखने के बावजूद यूपी खाली हाथ ही रहेगा। इन्वेस्टर समिट के 2 दिनों में सूबे के विकास का रोडमैप तैयार हुआ है। अगर इस पर ईमानदारी से अमल हुआ और सरकार ने मुकम्मल तरीके से निगरानी की तो फिर तरक्की की इबारत लिखी जा सकेगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सकेगा। कैमरामैन गणेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, APN लखनऊ। तो समिट को लेकर ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल एक बड़ा वही है कि क्या इसकी अगर रिजल्ट की बात करें तो क्या पिछले हुए जितने समिट है वैसा ही आएगा या फिर कुछ अलग होने वाला है। जिस तरह से सरकार उम्मीद जता रही है, बातें कर रही है, गदगद दिख रही है, रिजल्ट उस मुताबिक आएगा या नहीं, जनता इसका इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की। इसको जानने के लिए, समझने के लिए, इसके तमाम पहलुओं को आप तक रखने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम भी हमारे साथ जुड़ गई है, मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन लोग हैं परिचय करा दे आपका। हमारे साथ शालिनी यादव, नेता कांग्रेस, और अनिल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। हरिओम तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रू पावर अर्थिंग के। विनायक नाथ मैनेजिंग पार्टनर वेंचुरा कैपिटलिस्ट, और कैप्टन द्विवेदी पूर्व IAS वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और CB पांडे अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट, शिप्रा शुक्ला नेता BJP वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, इससे पहले कि चर्चा को शुरू करें, हम चाहेंगे कि 2 दिनों में जो भी जिस तरह से भी ये समिट आगे बढ़ा है, सबकी नजर रही होगी, आम लोगों की भी नजर थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आम जनता में रहता है कि क्या यकीन किया जाए या नहीं, और इसीलिए हम ये चर्चा रखे हुए ताकि आप जैसे विशिष्ट जन और एक्सपर्ट्स लोग इस पर जो नजर रखते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, वो जनता तक पहुंचे और उसके बाद जनता खुद फैसला करे। मैं चाहूंगा कि एक वन लाइनर इस समिट को लेकर, इसकी उम्मीदों को लेकर आप लोग संक्षेप में रखें, उसके बाद इस चर्चा को हम ओपन करेंगे। अनिल यादव, आपसे शुरू करेंगे। देखिए, इस इन्वेस्टर समिट पे मैं बस इतना कह सकता हूँ कि दूर के ढोल सुहावने वाली बात लगती है। जिस तरीके से BJP और के लोगों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है और गलत तथ्यों को पेश कर दिया है, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है। उम्मीद नहीं है। हरिओम तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रू पावर अर्थिंग, सर आपसे भी, इसके बाद शालिनी यादव के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा नहीं है, समिट को लेके एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे प्रदेश में हुई है। जैसे कि कल आप देखेंगे मोदी जी के अभिभाषण में उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा शब्द कहा है कि जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वो महाराष्ट्र और यूपी में निवेश सबसे ज्यादा कौन लाएगा। इन सब चीजों के चूंकि हम निवेशक हैं और हम कल से आज तक हमारे जैसा कैलकुलेशन अभी तक आ रहा है कि 15,000 छोटे या बड़े निवेशक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जी। ऐसा नहीं है, यदि जितना 4,27,000 या जो भी इस टाइम से रफ फिगर आ रहा है, हम इसमें यदि 20-30% का भी मान सकते हैं निवेश आता है। ठीक है, अरुण जी, अब विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से उम्मीद है और पिछले हुए समिट से कहीं ना कहीं अलग आप इसे मानते हैं जी। शालिनी यादव, उम्मीद के साथ, क्योंकि देखिए एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम खड़ा किया जा रहा है, जो भी MOU हम लोगों ने कल साइन किया है। ठीक है सर, शालिनी यादव, डेडिकेशन। हाँ जी सर, ये जैसा कि दिखाया जा रहा है बहुत ही पॉम्प एंड शो और बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ पेश किया गया है जरूर इस बार इसको, लेकिन जब हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं
तो इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा है। चलिए आपके हिसाब से भी इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा है, जो पहले बिल्कुल डिटेल में आपसे हम बात करेंगे। कुछ नया नहीं है, ठीक है, और कोई उसमें उम्मीद नहीं दिख रही। ठीक है, विनायक नाथ जी, विनायक नाथ मैनेजिंग पार्टनर वेंचुरा कैपिटलिस्ट। अरविंद जी, वेंचर कैटलिस्ट जी, जी। हम ये समझते हैं कि अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और इस प्लेटफॉर्म के साथ हम स्टार्टअप्स के साथ जुड़ गए हैं, जो हम 500 करोड़ रुपए अभी निवेश करना चाहते हैं अगले 4 से 5 सालों में यूपी में अलग अलग स्टार्टअप्स पे, ये हम करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये प्लेटफॉर्म देके हमको ये दिखा दिया है कि इसको करने के लिए, जो क्रियान्वयन करने के लिए हमें चीजें चाहिए होंगी, उसको उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट हमारे साथ पॉजिटिवली काम करेगी। और इतना ही एक इन्वेस्टर को चाहिए होता है, हमारा काम तो हम खुद करेंगे ही। ठीक है, कोई और करके देगा तो फिर हमारा काम कहां रह गया। जाहिर सी बात है। कैप्टन द्विवेदीपुर आईएएस वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसके पहले के भी समिट आपने देखे होंगे, कहां अगर पूरे समिट की बात की जाए और सरकार जिस तरह की बातें कर रही है, जो यथास्थिति है उसमें अगर संक्षेप में आप समझाना चाहें तो, बहुत संक्षेप में, डिटेल में हम बाद में बात करें। अरविंद, 2013 में मैं वाइब्रेंट गुजरात में यूपी के डेलीगेशन के साथ गया था जी, और ये जो अभी समिट हुई है लगभग उसी के पैटर्न पे थी। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में कुछ कमी बेशी दिखाई पड़ी, कुछ पार्टनर कंट्रीज में कमी बेशी दिखाई पड़ी, लेकिन एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, बड़ा पॉजिटिव माहौल दिखाई दे रहा है जी। और जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश को, जो 4 दे रहे हैं उनमें से एक, ठीक है, तो वो तो कमिटेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़ का। इसके अलावा जैसे गडकरी साहब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बैठे हुए थे कल सेकंड सेशन में, तो उन्होंने कहा कि 2,00,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है सर, जो नेशनल हाईवेज या नेशनल रोड्स जा रही हैं उनके लिए, तो वो तो कमिटेड इन्वेस्टमेंट है भाई, उसमें तो कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से भी एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सीबी पांडे, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट, सर आपके हिसाब से। नहीं नहीं, बहुत शानदार शो था, लेकिन ये है कि कितना ये मीनिंगफुल हो पाएगा वो उसके बारे में इतना आसान कहना बात नहीं है, क्योंकि आखिर में करने वाले कौन है। यहाँ इस देश की जो प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है पिछले जितने सालों से कर रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी समिट को उसने सक्सेसफुल उसको बनाया होने दिया। तो अब मैं समझता नहीं हूँ कि इसको भी बड़ा सक्सेसफुल होने देंगे। अच्छा, उनके भी दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि आप जो रूल रेगुलेशन प्रक्रिया और ये और तमाम बातें, अब ये तो बिजनेसमैन तो ये चाहेंगे कि बिल्कुल हमको आप रेवड़ी बांट दीजिए, तो कोई सरकार रेवड़ी तो किसी को बांट नहीं सकती है, उसके कानून है, नियम है, प्रावधान है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जब रेवड़ी बटेगी नहीं तो ये सारे के सारे बिजनेसमैन बैठ जाएंगे। इसलिए बड़ा मीनिंगफुल, मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में होगा, हो जाए तो मेरी शुभकामनाएं है। शुभकामनाएं है, हो जाए तो। अनिल यादव, अब आपके पास लौटूंगा थोड़ा डिटेल में, और अगर इस तरह की समिट पहले भी हुए हैं, आप लोगों की भी सरकार रही है, कोशिश की गई है, और इस तरह की बात कही जाती है कि कागजों में ही इस तरह की योजनाएं और तमाम चीजें सिमट कर रहेगी, धरातल पर नहीं है, अगर इस तरह की कोशिश यहां हो रही है और इस तरह की आशंकाएं आप लोग व्यक्त भी कर रहे हैं, तो उम्मीद के साथ क्यों ना एक बार साथ दिया जाए और देखा जाए कि क्या होने वाला है। या आपके पास कोई ऐसा ठोस वजह दिख रही है कि इसका भी हश्र वैसा ही होगा जैसे कि पिछले के जो भी इस तरह के समिट रहे हैं? अरविंद जी, देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो मैं समझता हूं कि हम लोग पॉजिटिव राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इन्वेस्टर समिट हुआ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी हित में काम होगा तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, चाहे उस काम को बीजेपी करे, बसपा करे, कांग्रेस करे, कोई पार्टी करे। लेकिन यहां पर जो बातें हैं, मैं समझता हूं क्योंकि कई सारे जो इंडस्ट्रियल बड़े बड़े देश के उद्यमी आए यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो आदरणीय अखिलेश जी ने जो काम किया ये उसी का नतीजा है। क्योंकि आप देखेंगे, जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं उदाहरण 2-4 उदाहरण आपको दे देता हूँ। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस इन्वेस्टर समिट का प्रचार प्रसार कर रही थी तो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे को बड़ा बड़ा उसके पोस्टर्स में दिखाया गया। ये वही एक्सप्रेस वे है जिसके लिए बाबा योगी आदित्यनाथ कहते थे कि नहीं, इसमें तो हेरा फेरी हुई है, ये एक्सप्रेस वे बना ही नहीं है, और इसमें जांच कराई गई, और जांच में भी कुछ नहीं मिला, और अंततः क्या हुआ कि इस एक्सप्रेसवे को इन्हें इन्वेस्टर्स समिट में के एड में जगह देनी पड़ी। ऐसे ही अगर मैं और उदाहरण दूं तो टेक महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा जी ने डायल 100 यूपी की जो पुलिस सेवा है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी सेवा है। अरविंद जी, मैं आपको याद दिला दूं, ये अखिलेश जी ने शुरू की थी, जिसमें 10 मिनट में शहरों में और 15 मिनट में गांव में पुलिस को पहुंचने का प्रावधान है। ऐसे ही एक और उद्यमी, लेकिन अनिल जी, ये सारी चीजें कोशिश की गई, लेकिन जहां इन्वेस्टर्स की बात है, व्यापारियों की बात है,
वो यहाँ नहीं आए, एक डर कायम था, कायम रहा है और अभी भी है। और ये कोशिश अगर अब हो रही है क्या होगा ये तो जनता को नहीं समझ में आ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो आज इतने बड़े उद्यमी आए हैं या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात है तो निश्चित तौर पर ये अखिलेश जी का विकास है जिसके ऊपर आज उद्यमी आ रहे हैं, नहीं तो भाजपा के कोई प्रवक्ता क्योंकि अभी है नहीं तो आपकी जानकारी में भाजपा का कोई काम है तो आप मुझे गिनवा दीजिए कि कोई काम इन्होंने अगर अपना प्रचार प्रसार करके बताया हो तो बताइए, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, ये सब हमारा ही तो काम है जिसके लिए उद्यमी आ रहे हैं। और जहां हमें शक की बात आप करते हैं कि भाई आपको शक क्यों है, शक हमें इसलिए है अरविंद जी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस समिट में कई ऐसी बातें रखी जो कि निराधार थी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, उन्होंने नेशनल हेल्थ स्कीम का उन्होंने जिक्र किया इन्वेस्टर समिट में। आपको बता दूं कि बजट में जो केंद्र का बजट था उसमें सिर्फ 2000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए और उत्तर प्रदेश के बजट में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, जबकि 40% यूपी देगा उसका, तो कैसे मान लिया जाए कि नेशनल हेल्थ स्कीम हो पाएगी। अगर मैं दूसरा एक ठीक है आप बाकी चीजों पर बात करेंगे और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। कैप्टन द्विवेदी आइए सर, आपके पास भी आना चाहूंगा। इस अगर पूरे समिट को देखा जाए और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, उसमें नितिन गडकरी जो केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बातों में भले मजाकी अंदाज में चीजें कही कि भैया पैसे चाहे जितना ले लो लेकिन काम करो, बस इतना करो कि जो है सीमेंट की जगह सैंड ना लगाओ। इस मानसिकता की मैं जरा बात कर रहा हूं कि जो ये मानसिकता है इम्प्लीकेशन को लेकर जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, योजनाएं तो तमाम आ जाती हैं, MOU बहुत सारे साइन हो जाएंगे लेकिन जब उनको इम्प्लीकेट करने की बात आएगी तो कई सारी प्रॉब्लम और वो मानसिकता कहीं ना कहीं रोकती है प्रदेश को और उसके विकास को आगे बढ़ने में। इस पर पार पाने की तरफ क्या उम्मीद की जा सकती है अरविंद? मैं शुरू करता हूं आपको मानसिकता से ही। ये देखिए डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी है, क्या चाहती है लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी उसी के हिसाब से काम करती है। और आज की तारीख में जो कमिटमेंट के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस इन्वेस्टर्स मीट को कराया है उन्होंने, इसकी तैयारी भी पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी, जो पूर्व में 2005 से मैं रेगुलर जब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहा हूं इन्वेस्टर्स मीट देख रहा हूं, बंबई से लेकर दिल्ली आगरा हर जगह देखा है। जो तैयारी होती थी वो 15 दिन के अंदर होती थी और एक औपचारिकता के तौर पर सारी चीजें होती थी। इस बार 7 इंडस्ट्रियल टाउन जो बड़े इन्वेस्टर्स के टाउन है हिंदुस्तान में, उनमें 2 में स्वयं मुख्यमंत्री जाते हैं, बाकी 5 में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गए, रोड शोज हुए, प्रॉपर पब्लिसिटी की गई, विदेशों में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको समय से मैसेज भेजा गया ताकि वो अपने आने की तैयारी कर लें, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता। दूसरा, जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा और जिसकी पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि इसका मॉनिटरिंग जो होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे लोग शक कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के स्तर पे होगी, मुख्यमंत्री के यहाँ इसका एक सेल बनेगा और वो ये तय करेगा कि किसी भी व्यापारी, किसी भी उद्यमी को जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है उसे किसी प्रकार की अनड्यू प्रेशर ना हो उसके ऊपर, और उसका ठीक है जो अगर बाकी फॉर्मेलिटीज उसकी कंप्लीट हैं तो उसको आसानी से परमिशंस वगैरह मिलती रहे। जो सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है अभी तक ये ऑन पेपर था, अब इसको देखना पड़ेगा कि ये हो पाता है, और अगर ये हो जाता है तो मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये कमिट करके जाता हूँ कि कम से कम 35% निवेश जितना अभी तक कहा गया है 4.28 का निश्चित रूप से आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना। ठीक है इस पर अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल मैं जरा हरिओम तिवारी को भी इसमें शामिल कर लूं। सर क्या लग रहा है जिस तरह की स्थिति है और इस भव्य तरीके से इसे समिट को जो है संपन्न कराया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कानून व्यवस्था की बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको लेकर उद्यमी यहां पर आते हैं और इन्वेस्ट किया जाता है, वो हो पाएगा या उस तरह का डर क्या खत्म हो गया इस समिट से, वो नहीं कायम है अभी? देखिए अरविंद जी, मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा जो आप लोग अभी सब लोगों ने कहा कि जो नियत की बात कही, इसमें हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम ऑलरेडी 4 या 5 फैक्ट्रियां यहाँ पे रन कर रहे हैं, उसमें अभी सरकार ने कल जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से लेके EPF से लेके लेबर से लेके और आपको बुंदेलखंड में हम लोग यदि एक्सपांशन चाह रहे हैं तो वहां पे 100% की स्टैम्प की सब्सिडी दी रखी है, और ऑलरेडी जो हमारे PF है, लेबर है,
सोलर प्लांट के लिए इलेक्ट्रिसिटी है और सेवन इयर्स के लिए और अनसिक्योर्ड स्टार्टअप लोन में अनसिक्योर्ड 2 CR का लोन 100% सैंक्शन कर दिया है। इसकी सब की एक पूरी लिस्ट बन चुकी है और उस लिस्ट की मॉनिटरिंग अभी साहब बता रहे थे कि सीएमओ ऑफिस से हो रही है, वो सीएमओ ऑफिस से होगी उसकी। इन सब चीजों के लेके ऐसा नहीं है, रोजगार आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कल कुछ लोग कुछ चैनलों पे हम गए थे, वहां पे लोग कह रहे थे कि इनसे अंबानी अडानी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स के की ज्यादा वैल्यू दी जा रही, ऐसा नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आए हुए हैं, अच्छा है, वेलकम। बट इस मीटिंग में सबसे अच्छी बात है कि छोटे इन्वेस्टरों को बहुत वैल्यू दी गई है उसमें, चाहे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे आप इत्र का ले लीजिए, चाहे आप ढोल का ले लीजिए, चाहे आप चूड़ियों का ले लीजिए, चाहे आप कोल्ड स्टोरेज का ले लीजिए, जैसे 50, 60, 70, 30, 40 CR के जितने भी इन्वेस्टर इस टाइप के हैं उनको एक मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है। मुझे नहीं लगता कि छोटे व्यापारी, छोटे जो मंझले स्तर के उद्योगपति हैं, वो उनको इस टाइप की सुविधाएं मिलेंगी तो वो इधर उधर जाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। अरियम जी, आपके हिसाब से व्यवस्थाएं जितनी चाहिए और जिस तरह की सुविधाएं चाहिए उस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है और छोटे और बड़े एक माहौल बन गया, एक सुरक्षित माहौल, सबसे अच्छी बात है एक सुरक्षित माहौल बन गया है। शालिनी यादव, आपको भी शामिल कर लो इसमें जी, एक दिन में ये माहौल बनता हुआ दिख ठीक है। शालिनी यादव जी, हाँ, जैसा कि वक्ता लोग हमारे कह रहे हैं कि मनोबल बढ़ रहा है, बढ़ाया गया है और बड़े भव्य तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, तो ये सब आगे की बातें हैं। प्रेजेंट करने में तो डेफिनेटली ये सरकार बहुत आगे है मार्केटिंग करने में, लेकिन जो धरातल पे आने, अगर हम इतिहास देखें प्रदेश का, अगर 10 साल का इतिहास देखें, जो ये 4.28 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, तो अगर हम 10 साल का इतिहास देखें तो 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में पहले हुआ है और उसमें अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 15,000 करोड़ ही पर साल क्रियान्वयन असली में हुआ है। तो उस रेट से अगर देखें तो ये देखने में तो फिगर प्रेजेंट करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारा निवेश आने वाला है, जो अभी सिर्फ MOU साइन हुआ है, अभी बात आगे तो कंप्लीट हुई नहीं है। तो 15,000 के हिसाब से आप देखें तो जो ये 4.25 लाख करोड़ है, क्योंकि स्थिति में तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा, जो आप इंफ्रा देख रहे हैं, बिजली है, जमीन है और सड़कें हैं, जो इंफ्रा प्रोवाइड करना है उसमें लॉ एंड ऑर्डर वो तो शायद पहले से बदतर ही हो रहा है। तो अगर आप उस रिकॉर्ड को देखें तो इस 4.25 लाख करोड़ के क्रियान्वयन में 30 साल का समय है, तो ये उसी तरीके का वादा है, ठीक है, जो सपने देखने का और दिखाने का। विनायक नाथ जी, शालिनी यादव ने जो बातें कही, अनिल यादव ने भी जो बातें कही, अनिल जी आपके पास आऊंगा, विनायक नाथ जी, अभी अगर 2 दिन पहले तक की बात की जाए तो ये सवाल उठाया जाता रहा है कि उस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है और 2 दिन के समिट के बाद क्या ये सब कुछ बदल जाए सिर्फ इस समिट की वजह से, या कुछ चीजें अभी भी हैं जिस पर अभी भरोसा नहीं हो रहा है? अरविंद जी, इसको मैं 2 तरह से देखता हूं, एक सुझाव है और एक ऑब्जर्वेशन है मेरा। अगर आप इसको ये देखें कि क्या ये मनोभाव सरकार का बदला है, तो हाँ बदला है, तभी तो ये समिट इस तरह का दिख रहा है जी। इस तरह की चीजें जो एडिशन हो रही हैं वैल्यू में, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं काम कर पाने में। जैसा कि अभी एक वक्ता ने कहा कि इतने ही 1,000 करोड़ हुआ जबकि इतने 1,00,000 करोड़ का कहा गया, तो जो पहले का सिस्टम था शायद उस पर उस समय के निवेशकों का उतना ट्रस्ट नहीं रहा होगा। आज के निवेशकों का, हम लोगों का अभी क्या ट्रस्ट है, ये हम ये बता सकते हैं, पहले क्या था, क्यों नहीं हुआ, वो पहले के लोग क्या जाने, वो उस समय की बात थी। आज की बात ये है कि हमें लगता है कि ये हो रहा है, स्टेट पॉजिटिव है, ब्यूरोक्रेसी साथ दे रही है और एटलीस्ट आज अगर हम कोई आवाज देते हैं तो हमारी आवाज सुनी जाती है। विनायक जी, आप ये मानते हैं कि इसके पहले इन्वेस्टर्स या जो व्यापारी वर्ग है उसका यकीन नहीं था, अब यकीन बन रहा है? मैं ये मानता हूं अरविंद जी कि पहले जो यकीन था उससे ज्यादा यकीन बढ़ गया है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे हमारे उद्यमी मित्र ने कहा, छोटे लोगों को भी सुना जा रहा है, ठीक है, और इसमें मेरा सुझाव यही है कि इसको सुनने की एक एडवाइजरी काउंसिल भी हो, जैसे कि वन विंडो सिस्टम चल रहा है उसमें ऐड हो, ठीक है। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर जो बातें सरकार कह रही है उस पर कितना भरोसा किया जाए, अगर ना किया जाए तो उसके कौन कौन से बिंदु हैं, और अगर भरोसा किया जाए तो वो कौन सी खास बातें हैं, अंतर क्या है पिछले या पहले जितने भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट हुए हैं, और इसमें क्या विकास होगा, क्या तकदीर बदलेगी उत्तर प्रदेश की, और बीमारू राज्य का जो ठप्पा लगा है
वो दूर होगा या नहीं, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव, आपके पास अब आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सुनते हैं इन्वेस्टर समिट में पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सह प्रबंधक और अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। दो दिन का जो इन्वेस्टर समिट है, इसमें मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जी ने जो घोषणा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर की है, जिसको अभी बहुत लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या है। देखिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ और झांसी को जो उन्होंने कनेक्ट किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन खुलेगा। उत्तर प्रदेश की प्रदेश के बाहर राज्यों में और निवेशकों के बीच में निश्चित तौर पर प्रदेश की छवि से बेहतर हो। अनिल यादव, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम लोगों की बातें सुनिए, ये बातें भी आपको अर्थशास्त्रियों की सुनाई, जहां कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिख रही है और ये कहा जा रहा है कि बदलाव हुआ है, लोगों का कनेक्शन बढ़ा है, खासतौर से व्यापारी और इन्वेस्टर्स का। देखिए, मैं अरविंद जी आश्चर्यचकित हूँ कि जिस प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले 9-9 गोलियां दिन दहाड़े मारी जा रही हो औरत को और उसको बेटे को, पुलिस फर्जी एनकाउंटर के नाम पर बेगुनाहों को मार रही हो, और दो ही दिनों में मेरे साथी जो उद्यमी बैठे हुए हैं उनको उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नजर आ गया, तो निश्चित तौर पर इनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि मैं आंकड़ों की बात करूंगा, मैं आंकड़ों की बात करूंगा, और मेरे अगर साथी, क्योंकि समझदार साथी हैं ये, मुझे इसमें अगर समझा पाएंगे कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल रोक दें। देखिए, 63,000 करोड़ का जो निवेश है उसमें 43 एमओयू साइन हुए हैं जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि भाई 63,000 करोड़ का जो एमओयू है वो सोलर एनर्जी पे बेस्ड है, पर ना तो यूपी के बजट में सोलर एनर्जी के ऊपर कोई प्रावधान है ना ही केंद्र के बजट में, तो इसके ऊपर एमओयू जो साइन हुए हैं क्या वो निराधार नहीं है। दूसरा, अभी क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही थी और आपने दिखाया भी कि लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये 20,000 करोड़ का डिफेंस कॉरिडोर है जिसके लिए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने 18 दिन पहले ये बात सोची। पहली बात तो ये कि ये गलत है कि ये यूपीए के टाइम से सोचा जा रहा था। दो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, एक यूपी को मिलने जा रहा है, मैं उसी डिफेंस कॉरिडोर में इन्होंने कहा कि 2.5 लाख रोजगार पैदा कर देंगे। अरे भाई, 2.5 लाख रोजगार आप कैसे पैदा कर देंगे ये बता दीजिए कि आप डिफेंस कॉरिडोर में क्या क्या चीजें देंगे, डेरिया बनवाएंगे, दुकानें देंगे, कैसे दे पाएंगे। अब एक चीज ये कि जब अभी केंद्र का जो बजट आया है, डिफेंस कॉरिडोर का एक रुपया भी उसके लिए उसमें प्रावधान नहीं है, तो 20,000 करोड़ आएगा कहां से? मतलब जब बजट में पैसा नहीं है तो कोई योजना बनेगी कैसे, और जब योजना नहीं बनेगी तो वो उतरेगी कैसे? तो मेरे साथ ही मुझे लगता है कि इन बातों को पे गौर करेंगे तो जरूरत रहेगी। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं 2 लाख करोड़ रुपए रोडों के लिए देना चाहता हूं। भैया, 4 साल से आप ही की सरकार थी, 4 साल पहले क्यों नहीं दिए थे? और जब 4 साल में आप 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक नहीं लगा पाए यूपी में, तो एक साल में आप 2 लाख करोड़ लगा देंगे? कैसी हास्यास्पद बात है ये। ठीक है, इस तरह की बातें जो उठ रही हैं, उम्मीद भले ही बढ़ रही है और एक बड़े आयोजन के तौर पर इसका समापन हुआ, कई सारे एमओयू साइन हुए, लेकिन सवाल ये भी बीच बीच में उठता रहा है कि इस आयोजन का मकसद कुछ और है क्या? 2019 की तरफ इशारा किया जाता है, सबसे बड़ी बात यह कि इन सबके बीच में क्या ये महज एक कागजी कार्रवाई बनकर ही रह जाएगा? जैसा होता आया है क्या वैसा ही फिर होगा, और जनता क्या फिर ठगी जाएगी? इसी को जानने के लिए यह चर्चा। सीबी पांडे सर, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये जो बात हो रही है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 219 के चुनाव को सामने रख के नहीं किया गया, क्योंकि 219 और 22 तो अब देखिए नरेंद्र मोदी जी के सामने तो ये निश्चित रूप से एक समस्या होगी कि अपनी छवि से तो उन्होंने 2014 के चुनाव को जीत लिया, अब उनको ये लग रहा है कि मेरी अकेले छवि नहीं होगी, अगर राज्यों में ठीक से ढंग से अगर कोई काम नहीं हुआ या राज्यों में बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखाए गए, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आके कोई बड़ा सपना अगर लोगों को नहीं दिखाया गया तो मैं अकेले ये चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। तो मैं इस पूरे इस चीज को जो ग्रैंड शो हुआ है, ग्रैंड शो, इसमें एक बड़ा सपना भी दिखाया गया, और ये बड़ा सपना जो है हो सकता है कि 19 के चुनाव के लिए यही सपने को, इसी सपने को कि अगर हमें आप मोदी जी बार बार कहते हैं कि अब कहने लगे हैं कि डबल इंजन से गाड़ी तेज चलेगी, तो हो सकता है 19 के चुनाव में वही कहें कि अगर उत्तर प्रदेश को हमको फिर जिताइए और उत्तर प्रदेश में जो सपना देखा गया हमको आप जिताएंगे तो डबल इंजन फिर हो जाएगा और फिर हम 22 तक इस देश को आगे बहुत बढ़ा लेंगे उत्तर प्रदेश को। तो ये राजनीति तो आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक बात देखिए, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये सब देख रहे हैं, ये कुछ नए काम शुरू करेंगे, ये सब 19 के चुनाव में अगर मोदी जी बड़े बड़े छोटे देखिए मध्यम इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर्स के बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो बेचारे अनएम्प्लॉयड है, परेशान है,
उनको तो आप सुविधा दीजिए, अपना काम शुरू करें। इन्वेस्टर तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हमको बुलाना है, उनको उनको उनके लिए रेड कार्पेट मोदी जी ने कहा कि उनके लिए बिछा रहे, वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए तो ही रेड कार्पेट बिछा रहे। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर के, ये सारे इन्वेस्टर एक भी ऐसे इन्वेस्टर नहीं है जो कि 19 के पहले कोई बड़ा काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। अगर वो बड़ा काम मोदी जी, फिर आज उनको मोदी जी के लिए उनके सारी टीम है, ये ज्यादा बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है सब मोदी जी की अपनी टीम है, सारे बड़े बिजनेसमैन उन्हीं की टीम के लोग हैं। तो ये लोग उनको चाहेंगे कि बड़ा हाईलाइट करें, और ये हाईलाइट करेंगे 19 में अगर मोदी जी आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर मोदी जी 19 में नहीं आते हैं तो मैंने समझता कि इसका जितना आप कर रहे हैं इसका 10% भी इन्वेस्टमेंट बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये सब चीज राजनीति से चलती है, ऐसा नहीं है कि इसी को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये इतना बड़ा शो इसलिए किया गया है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश का विकास तो एक विकास एक सतत प्रक्रिया है, इन्वेस्टमेंट एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी बढ़ी है, डिपार्टमेंट बने हैं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बने हैं, वो एक दिन का थोड़ी ना कि आप बुला के बांट दीजिए और कहिए कि आप विकास करिए। तो ये एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल। तो ये जो हमारा सिस्टम है वो तो हमारा बिजनेस वो तो लोगों को इनवाइट करता ही करता रहता है। कैप्टन द्विवेदी, ध्यान देना चाहिए अगर इस पूरे समिट को देखा जाए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम लोग आए, अपनी अपनी बातें रखी, इसमें पीएम मोदी ने भी अपनी बातें रखी। जी, मैं जरा एक कुछ चीजें जोड़ दूं इसमें, प्रधानमंत्री मोदी अगर तमाम बातें कहते हुए तमाम राज्यों को भी गिनाते हैं, खासतौर से मैं अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेते हैं, तारीफ होती है कि इतने सारे जो है शहरों का नाम उनकी जुबान पर है, बिना पढ़े वो लगातार बोल रहे हैं, और इन पर अगर इन्फेसाइज किया जाता है, और साथ ही साथ पहले भी अगर देखा जाए तो ये कहते रहे कि उत्तर प्रदेश की वजह से ही वो पीएम बने और गोद लिया हुआ बेटा और तमाम तरह की ऐसी बातें, लेकिन यहाँ जो बार बार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि 2019 कहीं निगाह में तो नहीं है, संशय नहीं होता है क्या अरविंद? इसको यूं देखिए जी कि 2019 का कहना लोगों का अपना परसेप्शन है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इन्वेस्टर्स मीट यहां पर 2005 से तो मैं रेगुलर देख रहा हूं, 2014 में जब तक रिटायर नहीं हुआ हूं, करीब करीब हर साल, इफ नॉट देन अल्टरनेट ईयर्स, और 2013 में जो वाइब्रेंट गुजरात जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सक्सेसफुल हुए थे, उसमें भी मैंने उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में हिस्सा लिया था और देखा था, ऑब्जर्व किया था। ये कह दिए ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा पॉइंट ब्लैंक बिना उसके, ये भी ठीक नहीं है। ठीक। अब रह गई बात जो इन्वेस्टमेंट और एमओयूज साइन हुए हैं, उसमें एक पॉइंट मैं बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं अपने वक्ताओं को और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कि ये एक साल के लिए नहीं है। जो बड़े बिजनेस हाउसेज आए हैं उन्होंने कहा है 35,000 करोड़ अगर है तो दिस विल बी स्पेंड ओवर 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर की बात करी है। दूसरा यह है कि हम देख रहे थे जैसे एसएल ग्रुप है जिनका 18,775 करोड़ रुपए के लिए कहा गया, कमिटमेंट किया गया सुभाष चंद्रा जी को, जी ग्रुप को, प्लानिंग्स और उसका एग्जीक्यूशन, जैसे आपने देखा होगा ये आदित्य बिरला ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला जी आए थे, उन्होंने ये कहा कि साहब हम 35,000 करोड़ रुपया, वो पहले भी 4 MOU साइन हो चुका था और उसमें से 10% भी खर्च नहीं हुआ था, लेकिन अब उनके पास जो उनकी जो प्लानिंग है उसमें मजबूरी है कि जैसे उनका जो एक टॉप प्रोजेक्ट है हिंडाल्को, हिंडाल्को का एक्सपेंशन का बहुत दिनों से चल रहा था और अब मुझे लगता है कि हिंडाल्को का एक्सपेंशन इसलिए हो जाएगा कि केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार है और हिंडाल्को का एक्सपेंशन हो जाता है तो ये मान के चलें कि वो जो सोनभद्र का इलाका डाइंग टाउन हो रहा था वो काफी आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह से उन्होंने उसी क्षेत्र में 3 सीमेंट की फैक्ट्रियां खरीदी हैं जो जेपी ग्रुप से अभी लिया है, उसको वो रिवाइव करने की बात कर रहे हैं यूनिट अल्ट्राटेक सीमेंट के रूप में, तो वो रिवाइव करेंगे, उसमें पैसा लगेगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट्स होना है, वो तो बिजनेसमैन है, उनको तो पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इसमें मजबूरी होगी कि वो पैसा खर्च करेंगे। इसी प्रकार से जो मध्यम और छोटे हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं जो बहुत दिनों से एक प्लेटफॉर्म खोज रहे थे कि साहब हमको मौका मिले तो हम आए, जैसे हमारे बगल में नाथ साहब बैठे हुए हैं जो स्टार्टअप्स को एनकरेज करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट करके, तो वेंचर कैटलिस्ट करके, तो इन लोगों को इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वो घूमते थे इधर से उधर, आते थे, पैसा रुपया खर्च करते थे और निकल जाते थे। अब वो इस बात से आश्वस्त हैं कि जितना ये अनाउंसमेंट्स किए गए हैं गवर्नमेंट के लेवल पर, अगर इतना सहयोग उनको मिल जाता है
तो वो अपनी तरफ से काम करेंगे और काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैप्टन द्विवेदी यानी ये कह रहे हैं कि अगर पहले अगर इस तरह के निवेश की बात रही है और पेपर्स पे आया है और भले ही उसका 10% ही खर्च हुआ है लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, उसके लिए भी पर्याप्त आधार आपके हिसाब से यहाँ पर मौजूद है। शालिनी यादव, अगर ऐसी स्थिति है मैंने क्यों ना प्रूव किया इसको जी, क्यों ना एक बार भरोसा किया जाए। वो भले ही एक सवाल ये उठता रहा है कि डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे और वो डबल इंजन फिलहाल है केंद्र और राज्य में दोनों जगह जो है सरकार है जी। बिल्कुल अरविंद, ये सही बात है और आप देख रहे हैं जहाँ तक हमारे सपा के साथ जो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, एक-एक करके सुनते हैं जी। अच्छी बात है, शालिनी यादव अपनी बात बजट के प्रोविजंस की बात करी तो हमारे साथ भी प्रोविजंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जीरो रहेगा। और हमारे साथ उपेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश मंत्री, वो भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन शालिनी जी अपनी बात पहले पूरी कर लें। 63,000 करोड़ और 40,000 करोड़ का कैसे अनिल जी बना दें? शालिनी जी को अपनी बात पूरी कर लें। विश्वसनीयता की जो बात हो रही है सर, जो विश्वसनीयता की जो बात है सर, तो ये जो बड़े उद्योगपतियों का जो देखें, जो चुनिंदा पसंदीदा हमारे प्रधानमंत्री के उद्योगपति हैं, जो फिर यहाँ हमें अपने यूपी इन्वेस्टर्स में समिट में दिखाई दिए हैं, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर अगर आप नजर डालें, जैसे मुकेश अंबानी जी का 10,000 करोड़ का, ये जियो से रिलेट करते हैं उसे जी। जियो का नेटवर्क शहर में तो है, गांव में इन्होंने बात की है देने की, ठीक है। तो गांव में जियो का नेटवर्क का मतलब क्या ये सिम बनाने की कोई फैक्ट्री लगाने वाले हैं? लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ उपेंद्र तिवारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो जुड़े हुए, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। उत्तर प्रदेश अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, बीजेपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के संशय भी व्यक्त किए जा रहे हैं कि तमाम तरह के एमओयू साइन हुए लेकिन इसका भी हश्र कहीं पिछली बार की तरह ना हो जाए। देखिए, समिट हुआ इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देशन में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि आजादी के 70 साल के इतिहास में ये हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में तो है, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर और ये पहला ये उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है जो एक ऐतिहासिक गया है। और पीछे क्या रहा, अभी हम पूर्व के वक्ता की बात हम सुन रहे थे, इसका उल्लेख माननीय सुभाष चंद्र जी ने किया था कि अखिलेश यादव जी ने भी ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने इन्वेस्टर समिट कर और 30,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने की बात माननीय सुभाष चंद्र जी ने किया था लेकिन 300 करोड़ पे ही आके टिक गया जी। तो इसके लिए तो वही लोग जिम्मेदार हैं और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल 11 महीने की सरकार में माननीय योगी जी के सर 18,750 करोड़ निवेश इस बार जो है एसएल ग्रुप करने जा रहा है, कैसे लोग यकीन करें कि पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि उत्तर पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज कानून नाम की कोई चीज नहीं थी और उद्योगपति व्यवसायी जब तक अपनी सुरक्षा नहीं देखेंगे, जब तक वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक वो अपना उद्योग नहीं बढ़ा सकते। पिछली सरकार में सबसे बड़ा संकट इसका था, जिस सरकार में सिपाही से लेकर कप्तान तक सुरक्षित ना हो, सरेआम गोलियां मारी जा रही हो, जिस सरकार में आम आदमी से लेकर विधायक सांसद और मंत्री तक सुरक्षित ना हो, जहाँ कानून का राज खत्म होकर जनरल राज स्थापित हो गया हो, तो वैसे विषम परिस्थिति। उपेंद्र जी अभी अभी अगर सिर्फ आज समिट आगे समिट के पहले की भी बात कर ले तो इस तरह के आकड़े अभी भी आ रहे थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी नहीं है, कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है लेकिन सिर्फ समिट के होने की वजह से, संपन्न होने की वजह से इन्वेस्टर्स कैसे यकीन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो जेल में जमानत तोड़वा के भाग रहे हैं नहीं तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर भाग रहे हैं, हम लोग विदेश रहे हैं। हाँ, लोग जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं तो कानून की स्थिति बहुत सुधरी हुई है माननीय योगी जी के नेतृत्व में और इसी का वजह है कि आज पूरे देश और विदेश के वो उद्योगपतियों ने देखा और सब लोग आखिर सहयोग करने के लिए तैयार है।
ठीक है उपेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ और तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनिल यादव आपकी बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। देखिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मंत्री जी किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं पुलिस के पिटने की जहां तक बात ये कर रहे थे, तो सहारनपुर में राघव लखनपाल इन्हीं के सांसद है जो कप्तान के घर में घुस गए थे। मथुरा में सीओ को बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्रिमिनल को छोड़ा। अरे सर सुन लीजिए ना आप तो इतने, अरे भैया सुन लीजिए ना, अरे मंत्री जी 2 सेकंड सुनिए, हमने आपको सुना है। ठीक है अच्छा, राघव लखनपाल पे क्या कार्रवाई की बता दीजिए, बस इतना। राघव लखनपाल पर क्या कार्रवाई की ये बता दीजिए मंत्री जी। अरे ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी, अरे सुन लीजिए भाई मंत्री जी सुन लीजिए। अनिल जी, उपेंद्र जी, एक एक करके बात को रखते हैं, एक एक करके बात करते हैं, दो चार बातें हैं उनका जवाब आप दे दीजिएगा थोड़ा संक्षेप में। अनिल जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं वही घटनाएं इनको बता रहा था कि अभी अभी मेरठ वाली घटना का मैंने जिक्र किया था, जिसमें दिन दहाड़े एक, ठीक है तो सुनने ही नहीं देंगे भाई। अरे मंत्री जी आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमने आपको सुना, आप 10 सेकंड तो सुनिए। अरे भैया आपके भाजपा के विधायक के बेटे को मुख्यमंत्री के घर से 1200 मीटर की दूरी पे मार दिया गया, क्या कह रहे हैं आप। नोएडा में आपकी पार्टी के नेता शिव कुमार को दिन दहाड़े पुलिस वालों ने, दिन दहाड़े शूटरों ने मार दिया। खोड़ा में, गाजियाबाद में आपकी पार्टी के नेता को दिन दहाड़े मार दिया गया, क्या कौन सी कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं मंत्री जी। और रही बात सुभाष चंद्रा की, जब आप सुभाष चंद्रा जी की बात कर रहे हैं भाई, आप उनसे 30,000 क्या 50,000 करवा लीजिए, वो आपकी पार्टी से भेजे गए राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, जहां आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो, उपेंद्र जी, अनिल जी, आनंद महिंद्रा की बात भी करिए ना, जिन्होंने डायल 100 की तारीफ करी है। ये ऐसे थोड़ी है कि जो बात आपको सूट करेगी आप कहेंगे। अनिल जी, उपेंद्र जी, अनिल जी, यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए भी सुन लिया जा रहा है, ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है मुद्दे से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबके बीच में एक जुड़ाव लगातार अगर बनेगा तो वो इस वजह से, क्योंकि कानून व्यवस्था बेहतर हो, और वो है या नहीं ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शालिनी यादव जो अपनी बात रख रही थी यहां पर, फिलहाल तमाम तरह की चीजों को लेकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हो रही थी कि अभी अगर 2 दिन पहले, अगर इस समिट के पहले की बात की जाए, तमाम तरह के सवाल थे यहां पर, और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ है, वो व्यवस्था है जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टर्स, व्यापारी आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। सरकार तमाम तरह के दावे और वादे कर रही है, और बड़े ही व्यापक तरीके से और अच्छे तरीके से इसे संपन्न कराया गया। तमाम तरह के वादे और दावे हुए, लेकिन इन वादों पर यकीन किया जाए या नहीं ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उसमें जो व्यापारी वर्ग है उनके पास भी मैं जाना चाहूंगा। हरिओम तिवारी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रू पावर अर्थिंग के, हरिओम तिवारी, इस चर्चा में आपने बातों को सुना तमाम तरह की, क्या ये कहीं से शक आपको पैदा नहीं होता, या जो बातें कही जा रही है उस पर भरोसा करके आप लोग पूरी तरह से समर्पित तरीके से एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए अरविंद जी, ऐसा है कि ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग निवेशक हैं, हमें इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना है। ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये तो एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम लोगों का ये इतना सिर्फ कहना है कि ऐसा नहीं, आज का समय जो है युवाओं का राज है। आज आपका समय शो ऑफ का समय है, हर चीज का एडवर्टाइजमेंट आप एक पीक लेवल पे हो रहा है। इस टाइप का इनिशिएटिव अभी तक सरकारों ने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उनकी प्रतिबद्धताएं होंगी या लिया होगा, कोई नहीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन जैसे अभी साहब कह रहे थे कि चाहे ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो कंपनी, चाहे हिंडालको ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि पिछले 10 सालों से हिंडालको यदि अपना प्लान कर रही थी एक्सपेंशन का, तो उसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ। उसके लिए कहीं ना कहीं ना कोई ना कोई सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हुए। देखिए अब क्या है, अब जो आज का युवा वर्ग है, आज आप सर्वे करेंगे तो 7-8% युवा उत्तर प्रदेश में है। वो कहीं ना कहीं आज पारंपरिक बिजनेस जो हमारा पहले से चलते हुए आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हटके, ठीक है ठीक है, 7-8% से ज्यादा है युवा, बात कर रहा हूँ मैं, मैं अनिल जी बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ जिनका बिजनेस पारिवारिक घराना है जी, वो कहीं ना कहीं आप देखिए तो हर चीज का एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हर चीज को एक पीक लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अलग ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया से लेके हर चीज बहुत एक्टिव है। पहले इसने एमयूज हुआ करते थे, वाइब्रेंट गुजरात पे भी 20-25% का इन्वेस्ट आया था, हम ये 2003 की बात कर रहे हैं, आज 2017 चल रहा है, 2018 चल रहा है, ठीक है। आज हमारे पास जो भी साइन हो रहे हैं, आज आप अभी अभी एमयू कल से आज तक साइन हुए, आज आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आप इतना मीडिया से लेके हर चीज इतना ज्यादा एक्टिव है।
तो ऐसा नहीं है कि ये सब हवा हवाई हो जाएगा और जिसकी कंट्रोलिंग डायरेक्ट सीएम ऑफिस कर रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सब चीजें खत्म हो जाएंगी। 50-60% का इन्वेस्टमेंट आएगा और कल तो पोर्टल लॉन्च कर दिया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कर दिया है और डिजिटली कर दिया है, तो चीजें ऐसा नहीं है, सरलीकरण हुआ है। अब ये चीजें देखिए राजनीतिक है, आएंगी जाएंगी, ये तो अब हर किसी का अपना सीवी पांडे व्यू है, ठीक है। लेकिन सीवी पांडे के पास आऊंगा, आपने बात किया था उसमें जो 63,000 करोड़ रुपए आए हैं सोलर में, वो 10,000 करोड़ सिर्फ अडानी का है और जितने बैलेंस है सारी प्राइवेट कंपनी का है, सारे छोटे छोटे। अनिल यादव जी बहुत संक्षिप्त में, तो उसे हमें नहीं लगता कि बजट में ऐसा प्रावधान किया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई सरकारी वो नहीं है। मैं बता देता हूँ मेरे मित्र अभी, और ये चीज 3 साल के लिए है, ठीक है। एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र मार्केटिंग की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, सब चीजों की मार्केटिंग होनी चाहिए। मेरा सिर्फ यहाँ पे इतना कहना है कि इतनी मार्केटिंग ना हो जाए कि जो धरातल पर लोग हैं उनको फायदा मिलने से ज्यादा खर्चा मार्केटिंग में हो जाए। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया की बात की, बहुत मार्केटिंग हुई, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, स्टार्टअप इंडिया की खुद प्रधानमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो योजना फेल हो गई है भाई। गोल्ड लोन सीजीपीटीएमएस में आज भी आपको 2 करोड़। सुन तो लीजिए, मैं स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया फेल हो गई, 2016 और 2017 के आंकड़े देख लीजिए। डिजिटल इंडिया फेल हो गई, 2016 और 2017 के आंकड़े कंपेयर करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो योजना है, ठीक है अनिल यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो महान, इस तरह की बड़ी योजनाएं बन के ही ना रह जाएं और इस तरह का बड़ा आयोजन बन के ना रह जाए, और इसलिए ये शंका। सीबी पांडे सदी में है, हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन चीजें बदल सीबी पांडे इसको ऐसा नहीं, गैस की सब्सिडी सर ये शंका कही जा रही है, ठीक है। अनिल जी, हरिओम जी, अनिल जी हरिओम जी, और भी लोग हैं जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं। सिर्फ दो लोगों के लिए चर्चा नहीं हो रही है सर, और हम लोगों का कोई कहना नहीं है कि आपकी सरकार ने ऐसा नहीं है, आपकी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया, कोई डाउट नहीं है। अनिल जी हरिओम जी, काम सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन व्यूवर्स और जो जनता है वो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट देखेगी, और वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ये सच्चाई है। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या आगे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। शुरुआत हुई है तो क्या वो है इस तरह की शुरुआत कि उसका भविष्य में जो है फ्रूटफुल नतीजा निकले, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। टाइप के विशाल आयोजन की सीबी पांडे शक्ति जाहिर किया है, सीबी पांडे बहुत बड़ी बात है। अनिल जी हरिओम जी, माफी चाहूंगा आप लोगों से। अनिल जी, हरिओम जी, सिरे से खारिज कर देंगे सीबी पांडे। इसके बाद उपेंद्र तिवारी, उनके पास जाऊंगा मैं, जो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। सीबी पांडे सर, जी नहीं, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो शंका व्यक्त की जा रही है, क्या ये तमाम लोग यहाँ पर, हरिओम जी हैं, विनायक जी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं एक यकीन जता रहे हैं, यहाँ तक कि कैप्टन द्विवेदी भी यकीन जता रहे हैं, शंका के और क्या बिंदु हो सकते हैं, और कौन सी वो बातें थी आपके हिसाब से जो यहाँ पर शामिल करनी चाहिए थी इसमें? हर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये सब बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, लेकिन ये जो इसकी कंटिन्यूटी है, आज तो हो नहीं गया, ये होने वाले समय में 3 साल या 5 साल में होने वाला है। अब जो कंसेशन बड़े बड़े दिए गए उसमें, शो में तो बहुत बड़े बड़े कंसेशन दिए गए थे, एमयू कुछ नहीं होता, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, यहां ये देंगे वो देंगे, लेकिन जब उसको आप इंप्लीमेंट धरातल पर करने जाएंगे तो देश के 200 कानून है उसमें, अब 200 कानून छोड़ के व्यापारी लोगों को तो दे नहीं दिया जाएगा। अब कहीं इनकम टैक्स आएगा, कहीं सेल टैक्स आएगा, कहीं जीएसटी आएगा, कहीं लैंड एक्विजिशन आएगा, कहीं एनडीपी आएगा, तो बहुत सारे कानून उसमें आएंगे। तो ये लोग कहेंगे व्यापारी लोग, हमको तो आपने कहा था कि आइए वन विंडो से सारा क्लियरेंस कर देंगे। अरे वन विंडो से कभी कोई चीज क्लियर होगी क्या? इतने बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े वन विंडो में दरखास्त लगा देना तो ही ना, और कंप्यूटर से निकाल लेना, एक एक चीज जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसकी लीगल एग्जामिनेशन होगा, फिर होगा करोड़ों रुपया देश, अब फिर सबको चाहिए बैंक से लोन, अपना कोई इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं, सारे लोग बैंक से लोन मांगेंगे। और ये जो 1 करोड़ का जो आपका ना 4.5 लाख करोड़ का है, इसमें तो 4.5 लाख में 4 करोड़ तो बैंक से लोन ही लेंगे लोग, तो बैंक के लिए तो गारंटी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या उनको बैंक की गारंटी दे देगी, चाहिए आप जितना, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी, और जैसे दिक्कतें आएंगी फिर वो भागना शुरू करेंगे लोग, ठीक है। बीजेपी की तरफ से जी उपेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी सीवी पांडे की बात आपने सुनी, और जहां तमाम बातों के बीच है कि ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ये अगर कोशिश हो रही है तो क्या इम्प्लीकेट होकर जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वो धरातल पर चीजें आ पाएंगी, या कहीं ना कहीं फिर अगली बार या अगले सेशन के लिए टाल दिया जाएगा? देखिए, जो हमारे माननीय सपा के सदस्य जो बोल रहे थे, तो जैसा उन लोगों ने किया है वैसे ही मन की धारणा है,
ये भारतीय जनता पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारे योगी जी ने उत्तर के दिखाया, जैसे किसानों की कर्ज माफी की बात हम लोगों ने किया था, हमारे भाजपा के संकल्प पत्र में था, नौ पैसा एक रुपया पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े लार्ज स्केल पे किसानों की कर्ज माफी दी गई। जैसे लेकिन सर किसान तो अभी भी जो आत्महत्या कर रहे हैं, आंकड़े देखिए, खबरें देखिए, हर रोज की दो योजनाओं की तरफ ध्यान चाहता हूँ, बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन, सपा सरकार ने शुरू में चलाया और वो है अखिलेश यादव जी को बंद करना पड़ा। तो ये समाजवादी पार्टी ही सरकार में संभव है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ठान लेती है, योगी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी है, जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए आज इस संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान और देश विदेश से जो उद्योगपति को बुलाया गया था और जो लोग आए हैं वो आशा और विश्वास के साथ आए हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आए हैं। और जो आज संकल्प आज और कल में लिया गया, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मूर्त रूप में वो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हमेशा अग्रसर रहेगा। ठीक है, अभी देखते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से अभी अगले साल तक। ठीक है शालिनी यादव, ठीक है उपेंद्र जी, पुलिस ने लाठी, शालिनी यादव अपनी बात पूरी कीजिए, उस समय माफी चाहूंगा, आवाज आपकी आ नहीं पाई थी। भव्यता से अगर जोड़ेंगे, अगर हम किसी भी योजना को भव्यता से उसकी सफलता जोड़ी नहीं जा सकती, अगर ऐसा होता तो देखिए मेक इन इंडिया, जीएसटी और नोटबंदी से बड़ा क्रांतिकारी कदम और कोई नहीं बताया गया था, लेकिन आज धरातल पर उसका क्या हुआ है ये हम सब वाकिफ हैं। दूसरा, अभी जो इन्होंने कहा कि इतना बड़ा है तो ये सब चीजें हवा हवाई नहीं हो सकती, तो हवा हवाई की अगर बात अगर हम ये करें तो वो इससे प्रतीत हो रहा है कि जो बिजनेसमैन जो भी अपना लेकर के आए हैं जो इन्वेस्टमेंट, वो उनका जनता के हित का ना दिख करके अपना ही एक बिजनेस विस्तार दिख रहा है। जैसे महिंद्रा जो डील करती है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और ऑटोमोबाइल्स में, उनका कहना है कि वो बनारस और विंध्याचल के बीच में एक रिजॉर्ट बनाएंगे। रिजॉर्ट मतलब एक होटल, तो होटल तो कमर्शियल उस पर लेकर के बहुत चल रहे हैं, लोग कमर्शियल पे खरीदते हैं और अपनी जेब में उसका पैसा जाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के थ्रू रिजॉर्ट बनाने का मतलब क्या है कि वो तो आप सब्सिडी पे आप पैसा लेंगे और आप उसका पैसा आपका अपने पास जाएगा और ये सारा प्रबंधन आप समझ लीजिए जो ये 2019 का लोकसभा का चुनाव है उसी का दिखता है कि ये सब पैसे का मैनेजमेंट और ये जमीन का खेल जो इन्हें अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर। और डिफेंस कॉरिडोर की एक बात हुई अभी, तो डिफेंस कॉरिडोर में आप देखिए पहले वही है कि कोई बाहरी कंपनी तो आई नहीं उसमें, और जो हमारे यहाँ पे जो राफेल जैसे आपने देखा जिस कंपनी को दिया गया उसका जीरो एक्सपीरियंस है उसमें, तो ये इतना बड़ा जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो एक बजट में भी नहीं है आपके, उसको उसका क्रियान्वयन कैसे दिखेगा, तो ये सब तो ये सारे के सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बातें हवाई होने वाली है, जमीनी हकीकत क्या है इसका, और इस तरह की चीजें कई बार ऐसा हुआ है इसलिए कहीं ना कहीं ये शंका जनता के मन में अभी भी बनी हुई है। एक संक्षेप में विनायक जी आपसे भी अगर कोई सलाह की बात करें, ठीक है कि आप लोग भरोसा कर रहे हैं और अगर इस तरह कोशिश हो रही है तो साथ आने की जरूरत भी होती है, लेकिन संभल कर अगर कुछ और चीजें भी अगर आप चाह रहे हैं कि सरकार से या जो भी नीतियां बनाई गई हैं वो जुड़नी चाहिए थी तो वो क्या हो सकती है। मैं एक जनरल व्यू बताना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि बिजनेस करते किस लिए है, प्रॉफिट के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, अपनी नई मार्केट से ऐड करने के लिए। एक्सपेंशन दीवारों का तो होगा नहीं, लोगों का होगा, स्टेट में एम्प्लॉयमेंट का होगा, अगर यहाँ पैसा लगाएंगे तो काम यही के लोगों के साथ करेंगे, यही तो बिजनेस है। तो अगर हम बिजनेस करने के लिए यहाँ स्टेट में आ रहे हैं तो हम दूसरे स्टेट की बजाय स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, यही तो एक्सपेंशन है इस स्टेट का। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें अरविंद जी ऐड करूंगा, जी जी ठीक है, कंप्लीट कीजिए। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर बढ़ती जाएंगी तो अपने आप स्टेट का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, बाकी लोगों के लिए मौके बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यहाँ इस चर्चा में हमने ये जानने की कोशिश की इस दो दिन के समिट को किस तरह से देखा जाए, कौन सी खूबियां रही, कौन सी खामियां रही और कौन से ऐसे बिंदु जिस पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। अगर लोगों का यकीन, खासतौर से व्यापारियों का यकीन अगर बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं तो जरूरत इस बात की भी है कि जो बातें कही गई उसको धरातल तक लाया जाए और उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जहां जो खामियां पिछली सरकारों के साथ रही हैं वो उस पर उसे दूर करने पर ध्यान दिया जाए। हमारे इस खास प्रोग्राम लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।